हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट देखिए दोस्तों 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, मात्र 15 दिन में, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम बताने वाले हैं कि मात्र 15 दिन में, ठीक है ना दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। बचे हुए 15 दिन में आप ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है ना दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आपने देखी दोस्तों उस तरीके से अगर आपने अपनी पढ़ाई कर ली ना, तो देखिए दोस्तों मात्र 15 दिन में ही ना आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप सोच रहे होंगे कि यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना, तो हाँ आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, आप 100% पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। और देखिए दोस्तों, आप ना मात्र 15 दिन में पढ़कर देखिए दोस्तों 90% मार्क्स पक्का लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कमज़ोर छात्र जरूर देखें जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और वो अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करे हैं, और देखिए दोस्तों वो ना हर सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब आपके देखिए दोस्तों पेपर भी नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, तो अब आपके पास मान लो अब ये अंतिम मौका है, ठीक है, अगर आपने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे, नहीं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, और आपको पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, इस मौके का पूरी तरह से आपको ना भरपूर फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भाई कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम बताएंगे कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी अपना मात्र 15 दिन में देख दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, और हम बताते हैं कि आपको कैसे करके पढ़ना है, कैसे करके टॉप करना है, और कैसे करके बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको केवल 15 दिन में, ठीक है दोस्तों, 15 डेज में आपको ना फुल तैयारी कैसे करके करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको देखिए दोस्तों अपना ना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या बनाना है, आप देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में पास होंगे, तो आपको देखिए दोस्तों अपना लक्ष्य बनाना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अगर 70% लेके आना है, या 80% लेके आना है, या 85% लेके आना है, या भाई 90% लेके आना है, ठीक है। आपको अपना गोल पता होना चाहिए, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, ठीक है। बिना लक्ष्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता है तो आप चलते चले जाएंगे, कहाँ पर पहुँचेंगे, कहीं पर भी नहीं पहुँचेंगे, और आपके चलने से भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लक्ष्य यानी कि गोल आपको सेट करना है, ठीक है। अगर आपको देखिए दोस्तों 90% लेके आना है तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों एक आपको ना चिट लेनी है, ठीक है, एक आपको पर्चा लेना है, फिर आपको क्या करना है उस पर देखिए दोस्तों 90% लिखना है, ठीक है, 90% लिखना है, फिर उस पर्चे को आपको ना जहाँ पर आप जिस रूम में स्टडी करते हो वहाँ पर आपको ना चिपका देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब जब आप अपने रूम में घुसोगे ना, तो आप देखिए दोस्तों 90% देख के आप थोड़े से मोटिवेट होगे कि यार मुझे तो 90% लेके आना है, फिर उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये केवल कुछ भी नहीं करेगा, ये केवल आपको ना पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। जितने आप मोटिवेट रहेंगे उतने आपको देखिए दोस्तों पढ़ाई करेंगे, उतनी अच्छे से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको अपना लक्ष्य सेट करना है, ठीक है। लक्ष्य सेट कर लिया, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको देखिए दोस्तों पूरी एक साल मिला था, ठीक है, उसमें देखिए दोस्तों चाहे आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, चाहे आपने इतनी पढ़ाई करी है कि कुछ पूछो मत, तो देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना। अभी तक आपने हार्ड वर्क किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अब आपको हार्ड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको देखिए दोस्तों स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। जो लोग हार्ड वर्क करेंगे वो देखिए दोस्तों ज़्यादा में ज़्यादा 70% या फिर 75% लेके आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, और उनसे देख दोस्तों कम पड़ के अपना स्मार्ट वर्क करके आप देख दोस्तों 90% भी ला सकते हैं, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब देख दोस्तों आपको वो कैसे करके करना है, ठीक है, वही तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको देखिए दोस्तों ना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए आप देखिए दोस्तों पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। आपको ज़्यादा टाइम के लिए यार टाइम टेबल नहीं बनाना है, केवल मात्र 15 दिन के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हम बताएंगे कि 15 दिन में ही आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप भाई 15 दिन तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना मेरे भाई। तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भाई 15 दिन के लिए बना लो, बहुत है, ठीक है। और जिसमें देखिए दोस्तों ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसमें आप ना सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट को पढ़ सके, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको ना एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है मात्र 15 दिन के लिए, ठीक है, जिसमें आप ना ऑल सब्जेक्ट को पढ़ सको, ठीक है। और देखिए दोस्तों टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ना कम से कम 8 घंटे पढ़ सको, ठीक है, कम से कम 8 घंटे पढ़ सको, ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखो दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है देखिए दोस्तों इसी टाइम टेबल में, ठीक है, इसी टाइम टेबल में आपको ना सब सब्जेक्ट को पढ़ना है और सभी विषय को भाई बराबर पढ़ना है, ठीक है। अब बराबर पढ़ने से क्या होगा, देखिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है या फिर साइंस है, ठीक है, इनको आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, और जैसे कि दोस्तों हिंदी है, ठीक है, हिंदी को आप कम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हिंदी भी आपकी देखिए दोस्तों उतनी ही मार्क्स देके जाएगी जितने मार्क्स आपके और सब्जेक्ट देके जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी भाई कम मार्क्स देके जाएगी, तो हिंदी तो भाई आपको पूरे 100 नंबर देके जाएगी। तो भाई हिंदी को कम क्यों पढ़ोगे, तो भाई आपको ना सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको ना 100-100 मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको कम नहीं पढ़ना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को आपको ना बराबर पढ़ना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, देखिए दोस्तों आपको ना अपना समय सही से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए दोस्तों सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को आपको सबसे ज़्यादा कम यूज करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, शॉर्ट वीडियो में लग जाते हैं, फेसबुक पर लगे हैं, इंस्टाग्राम पर लगे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपके लिए देखो दोस्तों नहीं करनी है, केवल 15 दिन के लिए आप ना बोर्ड एग्जाम तक ये सारी चीज़ से आप दूर रहें। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इन्हीं देखिए दोस्तों लास्ट दिन में आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और आप अपना ना करियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो, ठीक है। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है या ख़राब करना है, ठीक है, इन्हीं 15 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों सोशल मीडिया से दूर रहना है और समय को सही से यूज़ करना है। मेरी बात मानो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पर देना, ठीक है, स्टडी पर देना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ करनी है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से देखिए दोस्तों तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है मात्र 15 दिन में। हम देखिए दोस्तों बताएंगे कि मात्र 15 दिन में आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों आपको ना थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है देखिए दोस्तों आपके ना ऑल सब्जेक्ट में सभी विषय में क्या होता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है, मार्क लगा लेना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। अब आपको देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम ही कहाँ बचा है जो आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को केवल आपको पढ़ना है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको आप छोड़ देना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर हम ना मैथ की बात करें, ठीक है, मैथ में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। देखिए दोस्तों मैथ में अगर आप कमज़ोर हैं या वीक हैं तो मैं आपको ना एक देख दोस्तों तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। आप क्या करना है, मैथ में जितने भी एग्जाम्पल है ना उनको तैयार करना, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको ना फार्मूला तो तैयार होने चाहिए, ठीक है। फार्मूला से क्या होता है, आप अगर पूरी बुक के फार्मूला तैयार कर लोगे तो आपका 20% मैथ फार्मूला से कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मैथ में फॉर्मूले सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप ना कोई क्वेश्चन को करने बैठो, ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों फॉर्मूला लगना ही लगना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर आपको फॉर्मूला तैयार नहीं है ना तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको फॉर्मूला तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगे जिनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना सारी सब्जेक्ट में आपको ये चीज़ करना है, आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसको आपको आप छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल 15 दिन बचे हैं, ठीक है। 15 दिन में जितनी भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी देखिए दोस्तों तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं कि आपको अब पढ़ाई कैसे करी करनी है, जो आप अपना ना सिलेबस सही तरह से कवर कर पाए और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पढ़ाई कैसे करें मात्र 15 दिन में, ठीक है ना दोस्तों, मात्र 15 दिन में आपको कैसे करके पढ़ना है, कैसे करके पढ़ाई करनी है, कैसे करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है, और अपना फेल होने से बच जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में ओवरऑल 15 चैप्टर है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 15 चैप्टर अपना 15 दिन में 15 चैप्टर कवर कर लोगे, कंप्लीट कर दोगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 15 दिन में 15 चैप्टर आपको ना हर एक सब्जेक्ट के आपको एक एक चैप्टर कवर करना है, कैसे करके कवर करोगे, ठीक है। 15 दिन में आपके 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए दोस्तों आपको कैसे करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना एक दिन में एक चैप्टर कवर करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे करके कवर करना है, जैसे कि देखिए दोस्तों हर एक चैप्टर में, ठीक है ना दोस्तों, हर एक चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको देखिए दोस्तों हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक दिन में आपको ना 4 से 5 इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मुझे भरोसा है, मुझे बिलीव है कि आप ना एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आराम से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, मुझे भी पता है, मैंने भी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, और देखिए दोस्तों हर एक चैप्टर के आपको MCQs भी तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार देखिए दोस्तों पिछली बार से ही ये लागू हुआ था, 20 क्वेश्चन आपके MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको MCQ क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो एक चैप्टर में आपको ना 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है, और देखिए दोस्तों 8 से 10 आपको ना MCQ क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है, जो कि आप ना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में अपना एक चैप्टर आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और हम ना हर एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, हर एक चैप्टर में आपको ना 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और देखिए दोस्तों 8 से 10 आपको ना MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे कि अगर हम बात करें मैथ की, ठीक है, और मैथ में भी आपको देखिए दोस्तों इसी तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है मैथ के जितने भी एग्जाम्पल हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हर एक एक्सरसाइज में, हर एक चैप्टर में आपको ना 2 से 3 एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल तो तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ना एक्सरसाइज में, हर एक एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हर एक एक्सरसाइज में आपको ना 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल तो आपको 1 से 2 मिल ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ना हर एक एक्सरसाइज में 2 से 3 आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें देखिए दोस्तों आपके 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज में आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन में आप क्या करना, 2 से 3 क्वेश्चन आप ना एक्सरसाइज के तैयार कर लेना और विद एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप ना इस तरह से अगर आप ना पूरी अपने सिलेबस की तैयारी करोगे, तो देखिए दोस्तों एक दिन में आप एक चैप्टर कवर करोगे तो 15 दिन में आपके ना 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और आप ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो अगर आपने देखिए दोस्तों इन 15 दिन को अगर आपने ना बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी तरह से अगर पढ़ाई कर ली, तो आप देखिए दोस्तों आने वाले 2024 में आप देखिए दोस्तों टॉप भी कर सकते हो। इसी तरह से देखिए दोस्तों टॉपर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लास्ट में देखिए दोस्तों अगर आपने जी जान से अगर आपने पढ़ाई कर ली ना, तो आप देखिए दोस्तों टॉप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों इसी तरह से पढ़ाई करनी है, इसी तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपने इसी तरह से अगर ये 15 दिन को रूल फॉलो कर लिया ना, तो आप देखिए दोस्तों तो आने वाले दिन में आप ना सभी को पीछे छोड़ देंगे
और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो हमने बताया कि आपको 15 दिन में कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो आप ना इसी तरह से अपनी 15 दिन के लिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे कैसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।